जी वालेकुम वेलकम बैक टू माय नदर वीडियो होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे बहुत सेटिस्फाई होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी शुक्र अल्लाह का लाइफ इज़ गोइंग बहुत अच्छी हेल्दी और सेटिस्फाई और वेरी नाइस होप आपकी भी ऐसी जा रही होगी जी हैप्पी रहा करें सेटिस्फाई रहा करें पीस में रहा करें मुतमिन रहा करें और अपनी लाइफ को हाईलाइटेड रखा करें ठीक है अपने लिए आपकी लाइफ द तो बेस्ट होनी चाहिए ठीक है जी सो so, आज हम हाईलाइट करेंगे और मैं आपको बताऊँगी हाईलाइटर कहाँ कहाँ अच्छा लगता है क्योंकि हाइलाइटर्स की ना अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है कुछ चीक्स पे भी कर लेते हैं पर जिनकी मेरी एप्पल चीक्स है मेरे जैसी वो चीक्स पे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप चीक्स पे करेंगे तो बस फिर चीक्स ही नजर आएंगी सबको तो हमने बड़े सोच समझ के लगाना है हाई अच्छा ये मैं एमएम का यूज़ कर रही हूँ इनके तीन हाई हैं ये वाला मैंने बहुत कम यूज़ किया बेसिकली मैंने ये यूज़ किया है और ये यूज़ किया ये यूज़ किया दोनों ठीक है ये भी बहुत प्यारा लगता है पर मुझे लगता है ये रात में मैं लगाती थी अक्सर जब मैंने लगाना हो और ये दिन में ठीक है मुझे ऐसा लगता है ये कभी कभी लुक्स में मैं दोनों को मिक्स कर लेती थी, थी अच्छा अब मैं इन दोनों को ले रही हूँ और अच्छा इनका पता क्या सीन है ये थोड़े से ना चंकी है तो अगर ये हाथ से लगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं ये देखें इनका जो पिगमेंट है ना वो बहुत सॉलिड है ये देखो सी यू बॉम है यू बहुत फिट हाइलाइटर्स हैं और आप इनको जितना फिर मर्ज करोगे ना इस तरह तो लिटरली इनकी वो जो शाइन है ना वो ग्लास शाइन लगने लग पड़ती है सो आई एम रिकमेंडेड भी ये देखिए बहुत अच्छा ये स्किन पे वो नहीं लग रहा आपको दूर से लग रहा है ना कि तरह बहुत कुछ सॉलिड स्किन में लगा हुआ ये पता ही नहीं चल रहा आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया है इसका ट्रिक ये है कि आपने इसको अच्छी 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 इस तरह इस तरह करना है अच्छा खैर अब आ जाते हैं हम लगाने के ऊपर अच्छा फर्स्ट मैं लगाऊंगी अपने इधर नोज़ की टिप पे बस और इधर ठीक है फिर मैं लगाऊंगी इधर लाइट सा और इधर ठीक है फिर मैं लगाऊंगी इधर और इधर और इधर को भी बहुत प्यारा लगता है और इधर जो तो मैं ढेर सारा लगाती हूँ ना ठीक है फिर अंडर आ, अंडर आई कह रही हूँ इनर कॉर्नर्स पे भी लगाएंगे अच्छा अब इसको इस तरह से इस, इस तरह हमने ना ऐसे से कर देना ताकि ये नज़र नहीं आए ठीक है अभी तो ये चांस स्किन ऐसे लग रहे हैं ना प्रोमिनेंट हो रहे हैं ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे ये देखिए इसका इतना नाइस फिनिशिंग ग्लोई अफेक्ट है ना आई लव इट मतलब मैं मेरा मेरे पास कभी पड़ा हुआ है पर सच्ची बताऊं मैंने जब लगाना होता है ना हाइलाइटर में यही उठा के लगाती हूँ आई नो क्यों मतलब मुझे लगता है कि इसकी ना फिनिशिंग और एक सही हाइलाइटेड जो मूड होता है ना आपका ये फुलफिल कर देता है उसको सो so, यहाँ पे इधर से अगर आप ब्रश के साथ कर लें तो बेहतर होगा उसके बाद हम दोबारा भी लिपस्टिक को थोड़ा सा फ्रेश करेंगे अच्छा अब इनर कॉर्नर की बारी आती है इनर कॉर्नर के लिए आप छोटा ब्रश लेंगे मैं तो आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि ब्रशेस का होना भी ज़रूरी है ना थोड़ा सा जिस तरह ये वाला कलर हम अगर हम लेते हैं गोल्डन इसको हमने इस तरह का ब्रश यूज़ करना है Osionfish. इनको हमने इनर कॉर्नर में लगाया इधर से लगाया अगेन अगेन ठीक है ये मैं अगेन इसलिए करी जा रही हूँ मैं इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ ठीक है अच्छी तरह हमने ब्रश को अच्छी तरह ऐसे 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 करके ताकि हमारा कलर ब्लेंड हो जाए ये देखिए ठीक है अब ब्रो बोन -bon आ जाती है बहुत लाइट सा लगाऊंगी मैं ये देखो बहुत लाइट साइट सी अब आप देख सकते हैं कि आपने जहां जहां हाईलाइट किए वहां वहां आपके फीचर्स इनहस हो रहे हैं ये देखें सी सो so जी ये हाइलाइटर बेसिकली आपके जो पॉइंटेड आप करना चाह रहे हैं ना अपने नैनक्स को नैनक्स को पॉइंटेड जो करना चाह रहे हैं आप उधर करते हैं ताकि आपके वो एरिया मैं वैसे इधर भी लगाती होती हूँ क्योंकि माथा मेरा नॉर्मल ही साइज का है तो मैं थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट करती हूँ सो आप जो जो आपने यहाँ हाईलाइट करने ना अपने फेस के फीचर्स जो दूर से ऐसे स्पार्क करते हुए आपको दिल करे हाँ मेरी ये ब्रो बोन हाँ स्पार्क करें इधर 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 तो ये उस हाई लाइटर यूज होता है हाइलाइटर कोशिश करें कि अच्छा वाला लगाएं ताकि थोड़ा सा मजा तो आए ना नज़र तो आए अदरवाइज वो क्या होता है सिल्वर लगा लेते हो आप प्रॉपर कलर के गंदे वाले हाइलाइटर्स जो होते हैं वो ग्रे स्टोन बाद में देते हैं और एकदम से ठा करके मुंह पे लगते हैं ये वाला जो है ना ये बहुत स्किन के अंदर मर्ज हो जाता है मतलब ये आपको यहाँ पे वीडियो में फीन आ रही है लेकिन रियल में मतलब अगर मैं देखूँ तो मुझे पता है कि इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है ना मज़ा आ जाता है मतलब ग्लोइंग स्किन लगती है बहुत वो चंकीनेस बिल्कुल भी नहीं आती ठीक है और सुने लाइफ में जी क्या हो रहा है होप आप बिल्कुल ठीक होंगे खुश रहा करें जी अपने आप को खूबसूरत रखा करें मेन क्योंकि ये मेकअप जी औरतों के लिए बना हुआ है अब औरतें नहीं लगाएंगी तो फिर क्या ही बात है ना लगाया करें हैप्पी रहा करें अपने आप को ऐसे पैम्पर करते रहा करें और शीशे में बातें किया करें हाय मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ अगर लेकिन मैं शीशे में देख रही हूँ मैं भी खुश हो ही जा रही तो अभी अभी खुश हो ठीक है ब्रेठीक में देखिए अभी भी खुश हो रहे है हमने कहीं नहीं जाना लेकिन हमने तैयार जरूर होना है ठीक है तो ये मेरी मेन टिप है कि हमने अगर कहीं भी नहीं जाना तो हमने रेडी जरूर होना है ठीक है सिर्फ अपने लिए जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं आपका हस्बैंड हो गया आपके बच्चे हो गए वो भी बड़े खुश रहा करेंगे आपको देख के क्योंकि जी अम्मा जो होती है ना वो फैमिली की पूरी कहते हैं पावर एक पावर बैंक होती है सो जो अगर मामा अच्छी रहें और हैप्पी रहें और कहते हैं न माइंड ब्लोइंग रहे हैं, तो बच्चे और हस्बैंड में एक अलग ही बूस्ट आयाता है आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है सो so, आप इस तरह भी सब काम कर सकते हैं जाहरी बात है घर की जिम्मेदारी है सब करना होता है पर अच्छा तरीका होना चाहिए करने का ताकि वो आपके लिए भी इजी हो जाए और आपके घर वाले भी आपसे हैप्पी रहें ठीक है जी होप इसी बात पे आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे होप जी आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे अल्लाह आपको ऐसे ही रखे और जी मेरी वीडियोज़ फॉलो करते रहा करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनटिल दिन जी अल्लाह हाफि